इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में राजेश और नुपुर तलवार को यूं ही बरी नहीं कर दिया है, बल्कि हकीकत यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पूरी तरह नाकाम रही है। 2.5 साल पहले की जांच और कई उलटफेरों के बाद आखिरकार CBI ने मान लिया है कि वो केस को सुलझाने में नाकाम रही है। यही कारण है कि CBI हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करने पर विचार कर रही है। लेकिन आज हम आपको आरुषि हत्याकांड की पूरी कहानी बताएंगे, जिसके बाद आपको ये बखूबी पता चल जाएगा कि किस तरह देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी घुटनों पर आ गई। 2008 में जब आरुषि की हत्या हुई थी, तब इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी शराब के एक गिलास के ऊपर उंगली के एक निशान पर आकर टिक गई थी। इस गिलास पर आरुषि और हेमराज दोनों के खून से सने उंगली के निशान थे। यहाँ तक साफ था कि जिसने भी शराब पी है उसने दोनों की हत्या की थी और शायद हत्या करने के बाद भी घर में मौजूद था। लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की ताकत तो देखो, पूरी जोर आजमाइश के बाद भी CBI उस उंगली वाले शख्स को नहीं खोज पाई। वैसे CBI इस हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही को भी बड़ी वजह मानती है। आइए आपको इस हत्याकांड की जांच को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इस हत्याकांड की जांच 1 जून 2008 को CBI के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरुण कुमार ने संभाली थी और 10 दिन के अंदर ही उन्होंने 3 नौकरों कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अभी तक भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। इसके बाद अरुण कुमार ने अदालत में राजेश तलवार को क्लीन चिट देकर जमानत पर रिहा करवा दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजेश तलवार को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। सितंबर 2008 में बुलंदशहर में आरुषि का मोबाइल मिलने के बाद उम्मीद जगी थी कि शायद अब जल्द ही हत्याकांड की गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन 2 साल से अधिक की मशक्कत करने के बाद भी नतीजा 0 निकला। बाद में नीलाभ किशोर की टीम ने गोल्फ खेलने के क्लब से हत्या की आशंका की नई थ्योरी पेश की, जिसके बाद शक की सुई तलवार दंपत्ति की तरफ झुक गई और निचली अदालत ने इसी शक के आधार पर तलवार दंपत्ति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन सबूत जुटाने में लापरवाही दुनिया में किसी भी हत्याकांड का पर्दाफाश करने में कमजोर कड़ी साबित होती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रत्यक्ष, फॉरेंसिक व परिस्थिति जन्य साक्ष्य अगर जांच करने वाले लोग इन 3 बातों पर ध्यान देते तो शायद आज आरुषि हत्याकांड का आरोपी सबके सामने होता। आरुषि और हेमराज के शव मिलने के बाद नोएडा पुलिस के पास फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने का पूरा मौका था, जिसे उन्होंने गंवा दिया। लेकिन जब हत्याकांड के 15 दिन बाद CBI जांच करने गई और उसने फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने चाहे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सारे साक्ष्य धुल चुके थे। आइए आपको बताते हैं पुलिस की लापरवाही के बारे में। पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने में बड़ी लापरवाही की। आरुषि और हेमराज का शव मिलने के बाद पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को सील नहीं किया, सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी नहीं की गई थी, सीन ऑफ क्राइम के पास पड़ी एक एक चीज की बारीकी से जांच नहीं हुई थी और छत पर मौजूद खून से सने पंजे के निशान और फुटप्रिंट को भी नहीं लिया गया था। आरुषि के नाखून में चमड़े का अंश था, उसकी जांच भी नहीं कराई गई थी। आरुषि के बिस्तर पर बाल पड़े थे, उनकी भी जांच नहीं हुई थी। छत पर जगह जगह पड़े खून के सैंपल नहीं लिए गए थे। CBI जब तक सैंपल लेती उससे पहले बारिश ने सब कुछ धो दिया था। हेमराज के कमरे में शराब की बोतल पर मौजूद फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए थे। तलवार दंपत्ति समेत अन्य लोगों के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट भी नहीं लिए गए थे। तलवार दंपत्ति के घटना के वक्त पहने गए कपड़ों को जब्त नहीं किया गया था। खोजी कुत्तों का भी सहारा नहीं लिया गया था। इसके बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हत्याकांड में और उभर कर सामने आते हैं। नंबर 1, हत्या पहले हेमराज की हुई थी या आरुषि की? नंबर 2, CBI की रिपोर्ट के अनुसार आरुषि की हत्या गोल्फ स्टिक्स के वार से हुई थी, तो फिर हेमराज को कैसे मारा गया? अगर ऐसा था तो आरुषि की गर्दन काटने की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर 3, गर्दन काटने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल हुआ? हेमराज का फोन कहाँ गया? नंबर 4, 15 मई 2008 की रात हेमराज के मोबाइल पर मिठारी के PCO से फोन आया था, वह फोन किसने और क्यों किया? खैर, सवाल तो कई हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरुषि के माता पिता डॉक्टर नुपुर, डॉक्टर राजेश तलवार को आरोप से भरे बरी कर दिया हो। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से उलझन और भी बढ़ गई है। लोगों के जहन में 2 सवाल कौंध रहे हैं। पहला, आरुषि हेमराज को किसने मारा, और दूसरा, क्या उन्हें किसी ने नहीं मारा? तो फिर आरुषि मर्डर केस की गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी? अदालत ने तो साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया, लेकिन इस मामले ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस के साथ साथ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या आरुषि मर्डर केस में आने वाले दिनों में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। इंडिया पोस्ट न्यूज की रिपोर्ट।